सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन एंड इन स्पेस की बात हो रही है, जिसकी एक्सरसाइज 27.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 8k। क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है आपका 5, 2, -4 और एक वेक्टर गिवन है, इसको b मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 3i + 2j - 8k और आपसे कह रहे हैं इस पॉइंट को a मान लेते हैं कि इस पॉइंट a से जाने वाली और b के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालिए। हमने इसके डेरिवेशन बता दिए हैं, प्रूफ बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया, तो हम यहां फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर लिया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसको हमने स्मॉल ए लिखा, तो कैसे लिखा जाता है, 5i + 2j - 4k। और वेक्टर बी जो दिया है वो तो दिया हुआ है आपका 3i - 2j - 8k। अब आपको निकाला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी। ए से पास हो रही है, बी के पैरेलल है, तो क्या इक्वेशन बताया गया था आपको, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, याद है आपको। अब आपको ये डेरिवेशन नहीं जाना पड़ेगा, जैसे हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ कराया था तो वहां पर एक प्रूफ का मेथड बताया था, वो मेथड में डाइट करिए आप। ठीक है, तो आर ही रहेगा भाई, कोई भी क्वेश्चन जैसे निकालते हो कार्टेशियन में तो एक्स वाई के फॉर्म में आती है ना, तो वेक्टर में आर के फॉर्म में आएगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5i + 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 2j - 8k। हो गया आंसर, ये हो गया, ये छोड़ दिए उठा करके। अगर ये लाइन कहीं से पास करा रहे होते किसी और पॉइंट से तो आर की जगह रखते, ठीक है, उससे मतलब फिलहाल नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लाइन हो गई। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म कह रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन निकालना है तो हम यहां से निकालना शुरू करेंगे। अगर वो कहते फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन, हेंस फाइंड द वेक्टर फॉर्म, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, यानी आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऐसा तो दिया नहीं गया उन्होंने, ऐसा दिया नहीं है, तो आप अलग से वेक्टर फॉर्म निकाल लो। ठीक है, और आप चाहो तो आर को लिख दो ix + jy + kz और जो मेथड बताया था उसे ट्रांसफर करके निकालो। हम वैसे नहीं निकालेंगे, हम वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में अलग से निकालेंगे। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि जो पॉइंट होता है ना उसको हम मान लेते हैं x1 y1 z1, और जो ये फॉर्मूला होता है भाई लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस लाइन के डीआरस क्या है, डीआरस ऑफ द लाइन क्या होंगे, डीआरस ऑफ द लाइन वही होंगे जो इस वेक्टर के लाइन, इस वेक्टर के डीआर होंगे। इस वेक्टर के डीआर क्या होते हैं, जो आई का कोएफिशिएंट होता है, जो जे का होता है, वो जो के का होता है, वही डीआरस होते हैं। इनको किससे इंडिकेट किया जाता है, एबीसी। तो जो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन का होता है, कार्टेशियन फॉर्म वो क्या होता है, x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। तो x - x1 हो गया आपका 5 / a हो गया आपका 3 = y - 2/2 = z - -4 / -8। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन निकाला है, डायरेक्ट कार्टेशियन निकाला है, दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अगला पार्ट जो होगा उसमें वेक्टर से कार्टेशियन, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम वेक्टर से भी कार्टेशियन निकाल देंगे। ठीक है, इसमें भी निकाल सकते थे,
देखो ये नोट कर लिया ना, अब मान लीजिए आप वेक्टर से ही निकालना चाहते हैं, बोले वेक्टर तो निकाल ही चुके थे तो काहे को ये लिखते, तो आपने वेक्टर क्या निकाला था, r इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 8k निकाला था ना आपने। r क्या होता है, r इज एनी पॉइंट, और एनी पॉइंट कार्टेशियन में xyz होता है, तो r को क्या ले सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये जो लैम्डा से परे है ना इसको इधर ले आओ, माइनस का 5i माइनस का 2j प्लस का 4k बराबर, खोल दो ब्रैकेट, 3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस 8 लैम्डा के। देखो यहां पर अगर i कॉमन लेंगे उसका क्वेश्चन आएगा x माइनस 5, j कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 आएगा, और k कॉमन लेंगे तो z प्लस 4 आएगा, बराबर 3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस 8 लैम्डा के। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड, तो लिखेंगे लैंग्वेज, तो x माइनस 5 आई के साथ है, वहां क्या है 3 लैम्डा है, तो यानी कि x माइनस 5 अपान 3 बराबर लैम्डा आने वाला है। y के साथ क्या आने वाला है, यहां पर अब वो आ रहा है वाई माइनस 2, वहां क्या है 2 लैम्डा j के साथ, सॉरी, तो ये आएगा y माइनस 2 अपान 2 बराबर लैम्डा। इसी प्रकार से z में आएगा z प्लस 4 अपान माइनस 8 बराबर लैम्डा, यहां भी बराबर में लैम्डा है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, जब तीनों लैम्डा के इक्वल है तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम तीनों को लिख देंगे x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 बाई माइनस 8 बराबर लैम्डा, लिखो चाहे ना लिखो मत लिखिए, यही क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड हेंस फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, तो आप वेक्टर से कार्टेशियन निकालना है तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना। आपसे अगर वेक्टर एंड कार्टेशियन कहा गया तो आप दोनों अलग अलग कर सकते हैं, तो आपकी तरीका जो आप चाहें वो कर सकते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी तरीका हम आपको बता चुके हैं, वीडियो आपके इसके पहले आपने देखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।